हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी दिस इज़ प्रतिभा योर मेंटोर फ्रॉम यूपीएससी गाइड कैसी चल रही है सबकी तैयारी स्पेशली जो अभी देने वाले हैं अटैम्प्ट आई नो नर्वस और नर्वसनेस दोनों ही एक अलग लेवल पर हैं बट डोंट वारी दिस इज़ नेचुरल फॉर एनी वन हु इज गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जाम एंड इवन दोज हुर गोइंग टू हु आर प्रपेयरिंग फॉर फ्यूचर अटैम्प्ट दे आर लिविंग विद पीपल हु आर गोइंग टू गिव दिस अटैम्प्ट वो भी इस हीट को दे कैन ऑल्सो फील दिस हीट ऑफ द एग्जाम ओके सो सो दिस सेशन और दिस टॉक आई हैव कम अप विथ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हॉन्ट्स एवरी वन हर स्टूडेंट के दिमाग में वो क्वेश्चन रहता है दैट हाउ मैनी क्वेश्चन वी शुड अटैम्प्ट इन द रियल एग्जाम्स की जो एग्जाम असली एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चन करने हैं हमें राइट right, तो uh, इसके लिए मैं दो तीन पॉइंट uh, बताना चाहूँगी एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि Uh, ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिल्कुल रखें क्योंकि सिंस uh, दो तीन मैंने भी तीन बार प्रिलिम्स क्लियर किया है तो आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत हाई हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के बिकॉज़ प्रिलिम्स एलिमिनेशन राउंड है वहाँ पर मैक्सिमम एलिमिनेशन होता है एंड अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी आपने देखे होंगे देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिलिम्स दो तीन बार से क्लियर नहीं किया था और अभी दे आर डायरेक्टली गेटिंग दे रैंक्स दैट मीन्स प्रिलिम्स एक ऐसा ऑब्स्टेकल uh, है जो डिस्पाइट हैविंग फुल प्रिपरेशन जस्ट बाई पॉइंट फाइव मार्क्स या वन मार्क्स से पीपल आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू राइट मेन्स या इंटरव्यू देने का या टू कम इन दी फाइनल लिस्ट राइट तो जो मेन uh, हमारा जो डिस्कशन है वो क्वेश्चन है वो ये है कि कितने क्वेश्चन हमें करने हैं राइट right? तो उसके लिए मैं पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ पहला पॉइंट ये है कि आप किसी परसेप्शन को लेकर अपने दिमाग में नहीं जाएंगे उस दिन राइट right? ये नहीं सोच के जाना है कि ठीक है आज मैं सिक्सटी क्वेश्चन करूंगा या इस वाले अटैम्प्ट में सेवेंटी करने वाला हूँ या एटी करने वाला हूँ राइट right? वो आपको कभी भी दिमाग में एडवांस में सोच के नहीं चलना है क्योंकि कितने क्वेश्चन आप करेंगे वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा आया है राइट ये सबसे फॉरमोस्ट थिंग है और ये आ, करने ये जो होता है लेवल इसको एक और पॉइंट है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसा लेवल है राइट तो अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई की है आपने सारी बेसिक बुक्स पढ़ी हैं आपने एडवांस बुक्स पढ़ी हैं आपने करंट अफेयर्स कवर किया है आपने मॉक्स दिए हैं पी पी वाई के यूज़ किए हैं ने सब कुछ किया है तो आप एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं और उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं राइट right? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ट्वेंटी से ट्वेंटी में क्या मतलब हुआ पहले में कि आप हंड्रेड परसेंट श्योर हैं दैट यू हैव मार्क्ड ओनली वन और टू माइट गेट रॉन्ग एंड रेस्ट है हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैन राइट सो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन रिफ्लेक्ट्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर सो अगर ऐसा होता है दैट दैट मीन्स दैट यू शूड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ विद इन द रेंज ऑफ सेवेंटी फाइव टू एट्टी कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें उतने रेंज क्यों रेंज के लिए वाई बिकॉज डिफिकल्ट पेपर में 15 टू 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं और अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की तरफ जाएंगे यू हैव अ हाइयर चांस ऑफ गेटिंग दोज क्वेश्चंस रॉन्ग हैंस मोर द क्वेश्चंस रॉन्ग मोर नेगेटिव मार्किंग एंड योर स्कोर विल अल्टीमेटली फॉल राइट सो दैट If the paper is difficult, you need to restrict yourself to 75 to 80. On the other side, if the paper in your first round, when you are first time going through the questions, you are able to get somewhere around uh, 28, 29, to 35 questions, right? This range you can see that aapne questions currently And you are sure short sure that this may say 98% confident who that the questions will be correct. And that reflects that the paper is bit on an easier side. ईजिएस्ट साइड मीन्स उसमें सिर्फ दस से बारह क्वेश्चन डिफिकल्ट है रेस्ट आर ऑल रेस्ट ऑल द क्वेश्चन आर अनअटेम्प्ट आर अटैम्प्टेबल सॉरी नॉट अनअटेम्प्टेबल दे आर अटैम्प्टेबल डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो कि यू हैव नो क्ल्यू की कहाँ से आ गया है वो क्वेश्चन राइट right? तो वो क्वेश्चन आपको रिस्क नहीं उठाना है करने का राइट उनको आपको उनको आपको छोड़ देना है इग्नोर करना है अगर आप उनको ट्राई करेंगे करने का देन डेफिनेट ये है कि ठीक है वो क्वेश्चन गलत होने के सेवेंटी टू एटी परसेंट चांस है तो इसकी समरी अगर मैं बताऊं क्या समरी है कि पहले राउंड में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं अगर वो ज़्यादा हैं तो पेपर बिट ईजियर साइड पे आप अपने आप को 85 से 90 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या आपको कॉन्फिडेंट हैं जिन क्वेश्चन के बारे में उनका नंबर कम है 20 से 25 का रेंज है देन दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग दैट द पेपर इज डिफिकल्ट एंड यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन बींग सेवेंटी फाइव टू एटी राइट right. एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि आप कभी भी माइंड में सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का परसेप्शन मत लेके जाइए ये भी परसेप्शन मत लेके जाइए कि मैं इस टेक्निक से पेपर करूंगा राइट टू थाउजेंड आपके सामने लाइव ऐसा एग्जांपल रहा है जहां पे जो लोग पहले से ट्रेंड सोच के गए थे एलिमिनेशन का ट्रेंड सोच के गए थे दे गॉट शॉकड वेन दे सॉ द पेपर बिकॉज जो ऑप्शन बनाए गए थे वहां पर एलिमिनेशन कंप्लीटली फेल हो गया था इसी के लिए आप कभी भी ये अंदाजा लगा के नहीं जाएंगे कि मैं ये तरीका अपनाऊंगा या मैं वो तरीका अपनाऊंगा यूपीएससी स्टेप अहेड ऑफ ऑल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन या जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सब से आगे है यूपीएससी और वो आगे रहेगा दैट रिफ्लेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस एग्जाम एंड हेंस डोंट हैव एनी काइंड ऑफ परसेप्शन वेन यू आर गोइंग फॉर दैट डी डे कि मैं ये करूंगा मैं ऐसे करूंगा मैं इतने क्वेश्चन करूंगा जस्ट बी रिलैक्सड आप एक ओर ओपन माइंड से दिमाग अपने ओपन माइंड से एग्जाम हॉल में जाइए वहाँ बैठिए पेपर आपके सामने आएगा वेन यू गो थ्रू द पेपर देन यू डिसाइड वॉट टेक्निक आई विल अप्लाई हाउ मेनी क्वेश्चन आई विल डू Right so these things you keep in mind when you go when you're going for the main day and want to appear for the prelims and if there are any other students jo ki guidance uh, duonrehem jokey mentoring duonre because because everyone has the contents everyone has the books so there is there is no shortage of content and books but the most most sad part of it is that there the people lack kind of guidance that they need in order to ensure ki whatever hard work they are putting, jo bhi wo kar rahe hai, that hard work is put in the right direction to ensure that we have come up with this uh, mentorship program and i am also one of the mentors with upsc guide. so if you are looking for such kind of mentorship, I'd, i would say that what you can do, you can just call on a number 8983766676. you can call on this number and you can book one the first free counseling session with we, me as your mentor and based on that guidance or support you can further decide on this program. However, the first session is absolutely free. You can ask all your doubts, all your queries for free without any kind of charge. Right. So I'm just uh, once again repeating the number. It's eight nine eight three seven triple six seven six. Okay. So anyone who is looking for any kind of support, guidance because because the journey is very long, you are bound to feel some Sometimes you are bound to feel demotivated. कई बार ऐसा होता है जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा जब आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा सो ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू हैवेंटोर इफ यू है सपोर्ट इफ यू अल्पिंग हैंड विथ यू तो आपको वो लो फेज से वापस आपको क्रेस्ट की तरफ ले जाया जा सकता है सो दिस इज दिस इज़ फॉर टूडे ये मैंने इस क्वेश्चन का आपको आंसर किया है आई विल भी कमिंग अप विद मोर सच आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट हैव एक्सपीरियंस दैट एक्सपीरियंस हैव इन देयर माइंड टिल देन ऑल द बेस्ट कीप स्टार्टिंग एंड पुट योर हार्ड वर्क एंड यू विल बी राइट दैन ओके बाय एवरी वन